हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीनियस कंप्यूटर क्लास। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फ़ोन में रखे हुए फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही आसानी और इजीली से आप अपने सिस्टम या फिर लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी विथआउट डाटा केबल के। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाँ, ये कर लो पहले। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें अपने फ़ोन में एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा। वो ऐप कौन सा है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले जाके। फ्रेंड्स, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो चलिए अब चलते हैं प्ले स्टोर पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम अपने प्ले स्टोर पर आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है वाईफाई। ठीक है, वाईफाई FTP सर्वर ये आ चुका है और इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। देखिए, मेरा ये डाउनलोड है, यहाँ पे इसे अपडेट का ऑप्शन दे रहा है। तो ये ज़्यादा MB का है नहीं, मात्र 3 से 4 MB का ही है, तो इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड जैसे ही आप इसे डाउनलोड कीजिएगा तो आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक फ्रेंड, इसके बाद क्या करना है, आपको अपने सिस्टम को वाईफाई से कनेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने जो ऐप को डाउनलोड किया था अब इसे आपको ओपन करना है और यहाँ पर जो स्टार्ट का बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ये बोले अलाउ, तो आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको अपने सिस्टम पे आना है। ठीक है, और यहाँ पे जाना है आपको अपने कंप्यूटर पे और यहाँ पर जो डैश है, यहाँ पर जो खाली जगह है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एड ए नेटवर्क लोकेशन का। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से बोलेगा नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ बोलेगा इंटर और नेटवर्क एड्रेस, तो यहाँ पर आपको अपना जो एड्रेस लिंक है वो डालना है। मैं बताता हूँ कि वो कौन सा है। फ्रेंड्स, आपके फ़ोन में आपने जो स्टार्ट पे क्लिक किया था तो आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा होगा सर्वर URL का, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है आपको उसे यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो आप इसे टाइप भी कर सकते हैं और इसे सिंपली से पेस्ट भी कर सकते हैं, तो हम इसे टाइप कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसे मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है और इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है और यहाँ पर आपको फिनिश ये कर देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप अपने फ़ोन में डायरेक्ट पहुंच जाएंगे जहां पे अपने फाइल फ़ोटोज़ को सब रखा हुआ होगा। ठीक है, आप यहां से इजीली अपने किसी भी फाइल फोल्डर पर जाके आपको जो कॉपी पेस्ट करना है अपने सिस्टम में यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं, वो भी विदाउट डाटा केबल के। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।